किडनैपर से मिलकर छात्र की रिहाई के लिए 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे गोरखपुर के उरवा थाने में तैनात 2 दरोगा सहित 1 अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैंट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के गोपालगंज के एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को उसका दोस्त अफजल धोखे से गोरखपुर लाया और उरवा थाने पर तैनात अपने परिचित 2 दरोगा रघुनंदन तिवारी और अभिजीत कुमार से उनसे संपर्क कर उन्हें अपनी साजिश में शामिल कर लिया। इसके बाद छात्र की रिहाई के नाम पर उसके परिवारजनों से फिरौती मांगी जाने लगी। छात्र के परिजनों ने छात्र के अपहरण और उसके रिहाई के लिए फिरौती मांगे जाने की सूचना एसपी ग्रामीण और एसएसपी को दी। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के आदेश के बाद पुलिस ने किडनैपिंग के आरोपी अफजल सहित 2 दरोगाओं को अरेस्ट कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। अपहरित छात्र ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि दोनों दरोगाओं ने उन्हें मारा पीटा और उनके घर वालों से फिरौती की मांग की। छात्र ने बताया, और हमारे मोबाइल पर फोन आ रहा था 11 बजे मैट्रिक में पढ़ता है। अच्छा, 8वीं में? नहीं, मैट्रिक मैट्रिक। हाँ ठीक। और एहसान सेकेंड ईयर है, 12वीं में था। हाँ। अच्छा, स्कूल का नाम इनके क्या है? कोचिंग करता था। स्कूल का नाम बाबा जलालपुर है, बाबा नाम से जलालपुर है, लेकिन गोपाल में रख कोचिंग करता था। अच्छा, जलालपुर में विद्यालय इनका कि जलालपुर नमो है बाबा? बाबा का स्कूल है जलालपुर। अच्छा, वहाँ पढ़ता लेकिन कोचिंग गोपाल में रह के करता है। और ये भी कोचिंग करता है क्या? अफजल से एक बार हमको मुलाकात हुआ था शाम के टाइम, बोले कि कौन है, तो सेफ्टी इंजीनियर का कोर्स करता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि आपका भतीजा जब चला तो बाइक लेकर चला था क्या? आपके भतीजा के पास बाइक थी? नहीं, बाइक भतीजे के नहीं थी, अफजल ने बैठा के लाया। अच्छा, बाइक अफजल ने किसी बाइक से भतीजे को बैठा के लाया? अफजल ही बाइक पर बैठा के लाया था। अच्छा, पहले भी आया था क्या भतीजा आपका गोरखपुर? नहीं, कभी नहीं। यहाँ आपकी कहाँ है रिश्तेदारी? गोरखपुर में है, रिश्तेदारी नहीं है। अच्छा, गोरखपुर में हमारे भैया के साथ के लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग पहुँच गए। हाँ, हाँ। भैया हमारे पड़ावना में ड्यूटी करते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोगों का कारोबार क्या है? हमारा व्यवसाय है छोटा मोटा बीज का दुकान है। जानता था क्या अफजल की आप लोग कारोबारी? जो हमारे साथ भतीजा के साथ में रहा होगा तो बात किया होगा, कारोबारी है। अच्छा, तो अभी पैसा कुछ दिए नहीं थे? नहीं, पैसा नहीं। कब बजे आप गोरखपुर आ गए थे? 8 बजे करीब, सुबह में, रात में? रात में। कल परसों रात में? आज कल 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 कब रात? कल संडे की रात। अच्छा, ये रात में सारी काम हुआ? हाँ, रात में। हाँ, रात में सबके पास फोन आ रहा था। हाँ, लेकिन क्यों कहा बताए? अब जाग गए लोग, काम करते लोग तो बहुत बड़ा कोई काम करते हैं। पहले पे इसको साफ इंजीनियरिंग का कोई काम करता है, पढ़ता है या कुछ करता है? चलिए ठीक है, कोचिंग पढ़ता है, कोचिंग करता है गोपालगंज रह करके। वो पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो नहीं कर रहा? नहीं, ये सेफ्टी की 16-17 समझ रहा है। थोड़ा और आगे आओगे तुम? और दादी आप पीछे जाओ, पीछे थोड़ा सा बस। अरे सर, हमको एंगल चेक करने दो ना यार, आप रहने दीजिए। हाँ, यहाँ ला कर सामने देखो, सामने इधर देखो बेटा, देखो इशारा कर दिया। हमको गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ से। हाँ। गिरफ्तार करके उलुआ बाजार में एक रूम में ले कर बंद कर दिया गया। हाँ। रूम में बंद करने के बाद वहाँ मारने पीटने की धमकी देकर 2,80,000 रुपया मांग रहे थे। हमको यहाँ 10 बजे उठाया, 1 बजे वहाँ लेकर बंद किया, इधर उधर घुमा रहे थे। बेटा कौन बंद किया था तुमको? दोनों बड़ा बाबू। कौन बड़ा बाबू? एगो रघुनंदन त्रिपाठी थे, रवि प्रकाश, अमरजीत कुमार। ये लोग कौन है? बड़ा आदमी है। हाँ, बड़ा बाबू है लोग, दरोगा है। हाँ, क्या कह रहे थे बताओ बेटा जल्दी से। ये हमको मतलब बोल रहे थे कि 2,80,000 रुपये मंगाओ, 2,80,000 रुपये मंगाओ, और उसके बाद तुमको यहाँ से छोड़ेंगे लोग, इधर उधर लेकर भाग रहे थे। तो हाँ, हमको 9 बजे रात में यहाँ से लाए लोग गोरखपुर में, फिर 12 बजे रात में यहाँ से गोरखपुर से लेकर गए थाने में, तो फिर वहाँ से हम आए 3 बजे यहाँ से।
तुम्हारे साथ मारपीट भी किया है? हाँ। कौन मारा है तुमको? दोनों बड़ा बाबू लोग। अच्छा, बड़ा बाबू लोग मारा है। और क्या किया है बताओ, पूरा वाकया बताओ। एकदम डरने की जरूरत नहीं, बताओ क्या क्या हुआ। हम की तरह बोल रहे थे इधर बिक देंगे, मारते उधर बिक देंगे। हाँ, क्या कह रहे थे? इधर मार कर बिक देंगे, उधर मोबाइल के। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर हमको मतलब लेकर आए, इधर उधर केवल गाड़ियों में घुमा रहे थे लोग, कोई मेरा मोबाइल ले लिए, मोबाइल लेकर लोकेशन अच्छा बता रहे थे, लेकर मोबाइल रख लिए लोग अपने साथ, मोबाइल नहीं दे रहे थे लोकेशन बताने के लिए। तुम्हारे घर पे किसने फोन किया? वही फोन किया अब जब। हाँ, क्या बोला? बोला कि 280,000 रुपये मंगाओ तब यहाँ से जाओ। अच्छा, वही दरोगा जी के सामने बोला? हाँ, दरोगा जी बोले। अच्छा, ठीक है भैया। दर्शन की नियुक्ति करा दीजिए ना अपने यहाँ। ऐसा है, स्वतंत्र चेतना अखबार में कला पैसा मांगे तो मजा आगे पीछे हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग है, उर्वा बाजार थाना पड़ता है गोरखपुर में, वहाँ पे कार्यरत थे अभी। और जो प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसकी जांच करने पे इन दोनों के खिलाफ आरोप की पुष्टि हुई, इसके तहत मुकदमा लिखा गया है और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति को जो जाँच में पता चला कि अपहरण करके फिरौती की मांग की जा रही थी कल, और उसी के दौरान एक आम पब्लिक को भी पकड़ा गया है जो इनके साथ संलिप्त था, और फिर उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई।